गुमला जिले के पालकोट कॉलेज रोड में अनित सड़क से महज 100 मीटर अंदर झाड़ी से एक ग्रामीण महिला ने रविवार को एक नवजात शिशु बरामद किया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में बच्चे का उपचार जारी है। हालांकि अब तक बच्चा किसका है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार बच्चा प्री मैच्योर है, 7 महीने में ही बच्चे की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी के उपरांत किसी के द्वारा बच्चे को झाड़ी में फेंक दिया गया है और नवजात लड़की है। तो छुआ पुतुस गाछी थन कांद लग तो का गाय के देखे गेली तब जाय के तले छुआ है तो कहली और देखली और के तले गोदी कर के सोच के ले लागली। हम कहा लेके गए थे कहा नहीं हम बैठली हुआ और तले खाली घरे लाइन रही घर से तले हॉस्पिटल ले लाइन पर नहीं हमरे बोल का गाय का तन तन कांदेला का कुहरेला कहके देखली पुटु झुंड में छाई रहे हुआ तनी रोद हल्का लागत रहे तब हुआ देखली तो छोवा सुता है पानी में सुताल रहे। हाँ सब चीज लागल रहे पानी में सुताल रहे तब हमरे मने उके धर के ले लाली घर तले खाने बता ली कि हमें छोवा पाई ही कहके बता ली घर है सबके। क्या मिला था और क्या था? जी हम लोग को वहाँ पे पालकोट स्थित कॉलेज रोड से में लगभग जो NH है ना वहाँ से 150 मीटर का दूरी में बच्ची झाड़ी में फेंका हुआ अवस्था में मिला था। तो फिर उसके बाद वहाँ से लेके आए और स्थानीय प्रशासन को इसका सूचना दिए, उसके बाद पालकोट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराए, वहाँ से फिर रेफर करवा के यहाँ गुमला सदर हॉस्पिटल लेके आए। कितना बजे मिला था? 10 बजे करीब। आज आपका परिचय? मेरा नाम रोशन कंसारी है, हम इससे पहले चाइल्डलाइन में टीम मेंबर के रूप में काम कर चुके हैं। अभी वर्तमान में? वर्तमान में अभी हम घर में ही रहते हैं और ये नवार्ड के द्वारा एक FPO है जो चलता है गांव में, FPO में काम करते हैं। पाया गया है कंडीशन बहुत खराब है, गैस्ट्रिक कंडीशन में है और प्रीटर्म बेबी है, टाइम से पहले डिलीवरी हुआ है। बच्चे का शुगर देखा गया, बच्चे का शुगर तो नॉर्मल दिखा रहा है बट गैस्ट्रिक कंडीशन में है, और भी अच्छा हाइपोथर्मी में है पेशेंट, टेम्परेचर लो जा रहा है, इस तरह से कहा जा सकता है बच्चे की स्थिति काफी नाजुक है। अभी क्या प्राथमिक ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है? हम लोग उसको ग्लूकोज दे रहे हैं जो दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, रेडिएंट वार्मर दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, एक्सटर्नल हीट, बस जो होना चाहिए था नवजात शिशु के लिए वो दिया जा रहा है। तो उम्मीदें क्या लग रही है सर? उम्मीद बहुत नाजुक हो चुकी है बच्चे का, अभी सामना कुछ मुश्किल है। आप लग रहा है सर समय सीमा होगा सर इसका, जहाँ इतने घंटे के अंदर में हम रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुश्किल है, फिर भी अगर 2-4 घंटा में अगर वो रिकवर करता है कुछ तो उसका रिकवरी का चांस रहेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर संजय भगत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।